यमुना नदी को लेकर बहुत बड़ी खबर। 57 साल के सबसे निचले स्तर पर पानी, खतरे में दिल्ली के कई इलाके। ना पानी मिलेगा ना बचेगी जमीन, कहीं सरस्वती ना बन जाए यमुना। ये खबर दिल्ली वालों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश को चिंता में डालने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगले कुछ सालों में दिल्ली की यमुना नदी प्रयागराज के संगम में लापता सरस्वती नदी की तरह गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। हालात ये हैं कि पिछले 57 साल में दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा 1965 के बाद हुआ है। चलिए अब इस खतरे को समझिए। बुधवार यानी 29 जून 2022 को यमुना का जलस्तर अपने निचले स्तर 666.80 फीट पर था। 1965 के बाद ये इतना नीचे गया है। नदी का जल स्तर देखकर दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार यानी 30 जून 2022 को पानी का संकट हो सकता है। इसके अलावा नई दिल्ली और दिल्ली कैंटोनमेंट के कुछ इलाकों में पानी सप्लाई बाधित हो सकता है। दिल्ली में पिछले 2 महीने से पानी का संकट हो रहा है। पहली बार इस समस्या की शुरुआत अप्रैल में हुई थी। दरअसल अगर हरियाणा पर्याप्त मात्रा में यमुना में पानी नहीं छोड़ता है तो आने वाले दिनों में दिल्ली को पानी की संकट से जूझना पड़ सकता है। जिन दिल्ली के इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है, अब वो भी देख लीजिए। इन इलाकों में हो सकता है संकट। सिविल लाइन्स, हिंदू राव अस्पताल के आसपास का इलाका, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, NDMC के इलाके, पुराना और नया राजेंद्र नगर, ईस्ट और वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगमिहार। हालात ये हैं कि यमुना नदी में कई जगहों पर पानी खत्म हो गया है। रेतीली जमीन दलदली सी हो गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली NCR में जमीन के अंदर से इतना ज्यादा पानी निकाला जा रहा है कि इसके कुछ हिस्से भविष्य में कभी भी धंस सकते हैं। दिल्ली NCR का करीब 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका धंसने की हाई रिस्क जोन में है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली NCR में ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है। पानी का स्तर किस लेवल पर कम हो रहा है, ऐसे में हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आगाह करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।